नमस्कार, मैं हूं सोमेश ढाका और आप देख रहे हैं VTS लाइव न्यूज़। और आज एक बार फिर से हम आपको लेकर के आए हैं आदमपुर ढाडी गांव में। आप यहां पर मेरे पीछे यहां पर देख पाएंगे, आदमपुर ढाडी का जो बिजली स्टेशन है वो हम यहां पर है। और यहां से आप मेरे पीछे यहां पर देख पाएंगे काफ़ी सारे जो ग्रामीण हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हैं। ग्रामीणों का इकट्ठे होने का यहाँ पर कारण है कि काफ़ी समय से लगातार बिजली की जो डिमांड जो यहाँ पर की जा रही है, लेकिन वो जो बिजली की डिमांड है वो पूरी नहीं हो रही है। लगातार गांव में बिजली की किल्लत बनी हुई है, जिसकी वजह से ग्रामीणों को काफ़ी परेशान होना पड़ रहा है। और आज आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी संख्या में ग्रामीण यहाँ पर इकट्ठे हैं और उनके द्वारा यहाँ पर अपनी बिजली की जो एक डिमांड है उसको पूरा कराने के लिए आज यहाँ पर इनको ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और अधिकारियों से बातचीत की जा रही है। हमारे साथ यहाँ पर आदमपुर ढाडी के पूर्व सरपंच हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। जी साजू जी, क्या कुछ मांग है, क्या कुछ बातचीत की गई है पहले, और हालात क्या हैं अभी गांव के? पहले भाई साहब 14 दिन पहले SDO साहब आए थे, इस टंकी ने जड़ीन करीब 1.5 महीना हो गया और वो आश्वासन दे गए थे कि 7 दिन के अंदर यहाँ से लाइट जोड़ देंगे। पहले भी लाइट 4-5 दिन से 4 गांव की लाइट जुड़ी हुई, उसमें 4 गांव में लाइट नहीं थी। अब दोबारा फिर आश्वासन दे गए SDO साहब ने, बोला भाई 7 दिन में कर दें, वो चलो ले भाई 7 दिन में हो जाए। फिर बात करी बीच में मगोज SDO साहब क्या रही, बोला भाई लग रहे हैं काम। आज कल 11 बजे लाइट गई थी, सारी रात लाइट नहीं थी, अब लग लाइट नहीं आई है और झूठा आश्वासन दे रहे हैं। आप पहले भी भाई साहब अपनी पानी की समस्या खतरा आए थे, उसने भी कितना दिन हो लिया, लगभग 1.5-2 महीना हो गए, वो भी न्यू का न्यू पड़ा है। सरकार कति सुती पड़ी है, कति नहीं जागरी जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बिजली और पानी के दोनों समस्याएं ऐसी की ऐसी हैं। पहले हम आपको दिखा चुके हैं कि यहाँ का जो जलघर है वो बिल्कुल खाली पड़ा है, और उसके बाद आज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बार आपको दिखा भी देता हूँ, काफी सारे जो ग्रामीण है यहाँ पर, महिलाएं भी हैं, महिलाओं के भी यहाँ पर इकट्ठा किया गया है और यहाँ पर महिलाओं के द्वारा भी यही जो आवाज है उठाई जा रही है कि बिना बिजली के बिना पानी के किस प्रकार से काम करें। तो आज बिजली के लिए आज यहाँ पर हैं, तो इनसे जरा जान लेते हैं इनसे भी कि क्या कुछ मामला। जी कब से बिजली नहीं आई है? बिजली जी पहले 1 हफ्ता नहीं आई और कल तो आई भी नहीं आ रही जी। और जो हम कह के गया था हमारी पूरी मांग नहीं करी जी। समस्या कहाँ पर बताई जा रही है? समस्या बिजली नहीं, हमने बिजली चाहिए, पानी चाहिए। ठीक है, तो अभी आज यहाँ पर आए हो, कोई अधिकारी आप लोगों से मिला है? आया था कोई अधिकारी मिला है यहाँ पर? अधिकारी हमने कोई नहीं मिला। अच्छा, अधिकारी भी देखिए यहाँ पर नहीं बताए जा रहे हैं। एक बार सरपंच साहब से पूछ लेते हैं कि क्या कुछ बातचीत हुई है, कोई फोन पे बातचीत हुई हो कुछ? हाँ, फोन पर एक्शन साहब से बात हुई थी, SDO का फोन स्विच ऑफ आ रहा है सुबह से। एक्शन साहब ये कह रहा है मेरी SDO से बात हुई है और सोमवार मंगलवार लग को इसको समाधान गाल देंगे। सोमवार मंगलवार तक? और अभी अभी कितने दिन हो गए आपको मांग करते हुए? अभी 1.5 महीना से कर रहे हैं जी। 1.5 महीना से आप मांग उठा रहे हैं, उसके दौरान अभी भी उनका जो समय है वो खत्म नहीं हुआ? खत्म नहीं हुआ, लगातार चल रहा है। तारीख पे तारीख मिल रही है, तारीख पे तारीख मिल रही है। तो अब आगे का क्या, क्या आज यहाँ पर जो इकट्ठे हुए, आज अगर जो लाइट नहीं जुड़ेगी इतना परमानेंट धरना यहीं रहेगा, जितने इसका ताड़ा लगा देंगे पावर हाउस का, और जितना लग लाइट हमारी यहाँ से नहीं चलेगी इतने हम लगातार धरना रखेंगे जी। तो यहाँ पर देख लीजिए कि जो ग्रामीण है उनके द्वारा यहाँ साफ साफ कहा जा रहा है कि जब तक लाइट स्टार्ट नहीं होगी तब तक हम यहीं पर धरने पर रहेंगे। और भी ग्रामीण हैं, जरा इनसे भी बात कर लेते हैं। जीताओ जी, क्या हालात क्या हैं? हालात नाजुक है, यहाँ पर 17 एकड़ जमीन दे रखी है गांव ने पावर हाउस के लिए। लाइट के आश्वासन पहले एसएन दिया था कि कम से कम 20 घंटा लाइट देंगे, नया ट्रांसफार्मर धरवा दिया, लेकिन वो जड़ने के बाद 3-3 महीना था ही उसने बदला ही कोई। ठीक है, 1.5 महीने है जड़ा हुआ है, उसको छेड़ता है नहीं। केवल मात्रा आज हमें पता चले इसमें 4000 के MC आएगी। ठीक है, एक MCB की वजह से नहीं है और तो ट्रांसफार्मर MCB की वजह से इसको चालू नहीं किया जा रहा है। ठीक है, न इस वाटर वर्क्स को चालू किया, वाटर वर्क्स हमारा 10 साल से खाली पड़ा है, देखा हुआ जी, बिल्कुल पानी के घूट को नहीं, जो पानी पी रहे हैं लोग, जिसकी वजह से हमारे गांव में 33% आदमी कैंसर के मरीज हो चुके हैं, जिस पानी के अंदर गंदा पानी सप्लाई हो रहा है, सप्लाई नहीं हो रहा, बोर से ले रहे हैं, खारा पानी पी रहे हैं। ठीक है, उसको पी रहे हैं, तो TDS बहुत ज्यादा है उस पानी के अंदर। ठीक है, ये प्रॉब्लम की वजह से गांव परेशान था, इसलिए पूरा गांव आज यहाँ लेडीज एंड जेंट्स सब यहाँ आए हुए हैं।
जी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे जो ग्रामीण हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और लगातार एक ही मांग उठाई जा रही है कि उन्हें बिजली और पानी की जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पर मुहैया कराए जाएं। और भी कुछ महिलाएं भी हैं, इनसे भी ज़रा जान लेते हैं कि क्या कुछ ताई जी क्या हालात क्या हैं गाँव में, बिजली कौन आती? चलो कोई बात नहीं, ताई एक और ताई तक पूछा था। हाँ ताई, क्या हाल है? क्या हाल? बुरा हाल है। बिजली के कारण हमारा बुरा हाल, पानी कारण बुरा हाल, हमारा बच्चा कति चू चू कर। उसको क्या बिगड़ो? वो तो लिया कि मारा 18 किलो बैठी गो और मारी होगी खराब मट्टी, मारी जमीन में तो पाट लेंगे सुदान। हमने कौन चाहिए? हम बिजली नहीं दे सकते तो हटाऊंगा। अच्छा, नेताड़ो लाखी जावांगा हम, और बेल माफ होना चाहिए। मारो 18 किलो न्यू ना जमीन का सरकार, हमने 1 किलो दे दो। चलिए, तो यहाँ पर देख लीजिए जो रोष है वो ग्रामीणों में यहाँ पर बना हुआ है। कुछ और ग्रामीण यहाँ पर हैं, उनसे भी जरा बात करें यहाँ पर। जी ताऊ जी, हालात क्या सच में ही ऐसे बुरे हैं? सच है जी, बहुत गंभीर हो रही है। बिजली पानी कितनी तंगी हो रही है यहाँ पर। कितने घंटे बिजली मिलती है? घंटी मिले के 5 घंटे भी ना मिले, 5 घंटे भी नहीं आते हैं। चलो ये बहुत, देखिए ऐसी गर्मी में जब जो पारा जो है वो 40-45 डिग्री तक भी पहुंच चुका है और उस दौरान में भी अगर बिजली नहीं मिलती है तो एक समस्या है यहाँ पर। जी 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 जी, बताएं। रामकृष्ण ये कह रहे हो जी, जो बिजली दे हुए है ना तो दिन में परेशान करे, कट कर देते हैं आधा पौन घंटा, रात को कट करते हैं। रात को बच्चे छोटे बच्चे वो तो कहाँ जाएंगे बगैर बिजली नहीं रह सकते? हम तो यहाँ से जब उठेंगे जब तक हमारा काम नहीं होगा। ठीक है, ताला लगाएंगे पब्लिक को, हम बाहर कटे इनको, सरकारी मुलाजिम बैठे नहीं इनको बाहर करेंगे, ताला लगाएंगे। हमारा काम चार बजे जल लिया है और पुराना ट्रांसफार्म लेके आऊं है, ये भी फिर जलाएगा। देख के आओ अंदर का कितना, अभी भी जो आया है वो पुराना पुराना आया है जी। वो तो सरकारी काम है लेकिन उसमें आप लोगों को बिजली चाहिए लेकिन वो भी नहीं मिल पा रही है। 30-30 साल पुराना जी, वो जर्जर हालत में होगा, अपडेट हो रहा है वो ट्रांसफार्मर, भी आया वो भी। ठीक है सरपंच साहब, क्या जो कहा जा रहा है ओवरडेट हो चुका है? ये जी जो 5 MVA के जो ट्रांसफार्मर है ना, हमने बात की है करे नहीं बन रहे, और ये पुराने रखे हैं, 3 ट्रांसफार्मर ऑलरेडी जड़े पड़े हैं। ये बाप उसने मौका पर जाके एक बार देखियो और इसके भी आए हालात से, और ये कह रहे थे भाई 220 KV का नया बनवा देंगे। मैंने ये भी कह दिया था भाई अपनी जमीन का 1.5 किलो लेके 220 KV का नया बनवा दो चाहे, उस चीज पर भी कोई विचार नहीं कर रहे। ठीक है, तो अच्छा एक चीज और पूछना चाहूंगा, सरकार बार बार कहती है जिन गाँव में जो बिजली के बिल है, जो पूरे बिल भर रहे होंगे, हम वहाँ पे सप्लाई अच्छी देंगे, तो बिजली के बिलों का क्या हाल है? पूरे गाँव के बिजली के बिल टाइम टू टाइम भर रहे, उसके बावजूद भी लाइट नहीं है। अच्छा, अगर जो किसी का रह रहा तो हम आज भी भरवाने खातर तैयार है। बिजली बोर्ड ने पहले लिस्ट आई थी, उसमें 7-8 आदमियों के नाम थे, उनका सभी का बिल भरवा दिया था जी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बिजली के बिलों की जहाँ पर बात की जा रही है कि सरकार के द्वारा कि सरकार बार बार कहती है अपने बिजली के बिल भरें और उसके बाद पूरी बिजली लें, तो वहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि जो बिजली के बिल हैं वो पूरे भरे हुए हैं लेकिन उसके बावजूद भी सप्लाई नहीं मिल रही है। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, जब भगत सिंह ने पार्लियामेंट के अंदर बम फेंका, उस समय न्यायाधीश महोदय ने पूछा भगत सिंह तुमने पार्लियामेंट के अंदर क्यों बम फेंका, तो भगत सिंह कहा कि बैरे को सुनाने के लिए ऊंचा बोलना पड़ता है। ठीक है, आज इस देश के अंदर जो सब कुछ दे दिया उसको कुछ नहीं मिलता। इस गांव में 25 गांव को पानी सप्लाई होता था, 7 एकड़ दे रखे, एक बूंद पानी नहीं मिलती। यहाँ पर 19 एकड़ हमने जमीन दे रखी है, हमें बिजली नहीं मिलती। बिजली और पानी जीवन रेखा होती है, लोकतंत्र के अंदर बिना मांगे मिलता है। चौधरी बंसीलाल ने बिना मांगे यहाँ पर पानी दिया था और बिजली दी थी, लेकिन ये सरकार अपने आप को कहता है हम बिना मांगे देते हैं। हमें इतनी दिक्कत, इतना कष्ट हो रहा है कि नींद तक भी नहीं आती, और ये हो रहा है हाल। तो अभी अब आगे क्या, जब धरना देंगे और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी, तब तक जब तक यहाँ पर 19 एकड़ दिया रहा हमें ट्रांसफर अलग तक नहीं मिलता रखे, 2-2 एकड़ दिया रखे उनको जैसे मंदोला रहे और कहते हैं हमें 19 एकड़ दे दिया और कुछ नहीं मिल रहा। चलिए, तो देखिए काफ़ी रोष है और लगातार यही चीज़ कही जा रही है कि जब तक हमें जो बिजली नहीं मिलेगी तब तक हम यहाँ से धरना नहीं हटाएंगे। हालांकि ये भी बात कहीं ना कहीं सामने निकल के आ रही है कि अगर यही हालात रहे तो जो यहाँ का जो बिजली घर है इसको ताला भी लगाया जा सकता है, लेकिन इस दौरान में कहीं ना कहीं जो बातचीत है वो भी यहाँ पर हुई है। एक बार दोबारा से आपके यहाँ से बात करा देते हैं, जो सरपंच साहब से जब बातचीत हुई है यहाँ के अधिकारियों की, तो उन्होंने कितने दिन का टाइम दिया है एक बार फिर से दोबारा से पूछवा देते हैं। जी सर, बातचीत जब हुई
तो यहाँ पर आने की भी किसी अधिकारी की बात हुई या जस्ट फोन पर ही उन्होंने एक आश्वासन दे दिया है? एक्शन साहब ने तो फोन पर आश्वासन दिया है और एक्शन साहब ने न्यू कहा है एसडीओ साहब को मैं भेज रहा हूँ। ईव लग तो आया नहीं है, सुबह 8 बजे के लोग यहाँ बैठे हैं जी, 4 घंटे हो गए लगातार बैठे। फिर मैं जी कितनी देर में आओगा, एसडीओ साहब बोला 1 घंटा में आओगा, उनका तो 1 घंटा हम तो लागे नहीं जी, सारे झूठे आश्वासन, उनके एक भी आश्वासन सही नहीं है। ठीक है, आश्वासन अगर पूरा नहीं किया जाता तो आज तो आपने जैसे कहा कि यहाँ पर ही बैठे रहेंगे जब तक बिजली शुरू नहीं होगी, शाम तक भी बिजली शुरू नहीं होती तब क्या? शाम तक नहीं शुरू होगी तो शाम को भी यहीं रहेंगे। ठीक है, रात में भी रहेंगे, जितना लाइट नहीं जुड़ेगी, दिन रात का धरना भी यहीं पे, दिन रात का परमानेंट धरना होगा। ठीक है, और जो आप लोग कह रहे थे कि यहाँ पर तालाबंदी कर दी जाएगी, वो कब की जाएगी? आज शाम लग बाट देखेंगे जी, आज शाम लग लाइट जोड़ दी तो ठीक है, ना तो शाम को इसको ताला लगा है। चलिए, तो यहाँ पर आज जी और गांव भी आ रहे हैं। ठीक है, कौन कौन से गांव पहुँचे? आदमपुर, डाडी, बलाड़ी, कलाड़ी है, और भी सराउंडिंग विलेज हैं, वो आएंगे कल, बिल्कुल लार्ज स्केल पर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए कि अब लार्ज स्केल पर ग्रामीणों के इकट्ठा होने की बात कहीं ना कहीं सामने निकल के आ रही है, और उसी दौरान में एक तरफ जहाँ अधिकारियों के द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है कि जल्द से जल्द जो लाइट की जो सप्लाई है वो शुरू कर दी जाएगी, लेकिन इस दौरान में जो ग्रामीण हैं वो यहीं पर डटे हुए हैं और लगातार कहा जा रहा है कि जब तक लाइट शुरू नहीं होगी तब तक वो अपना जो धरना प्रदर्शन है यहाँ से नहीं हटाएंगे। और हालांकि इस दौरान में ये भी चीज़ बिल्कुल सामने आ रही है कि अगर लाइट शुरू नहीं की जाएगी तो जो बिजली घर है उसको तालाबंदी भी हो सकती है, तो ये एक बड़ी बात है। इस दौरान हम भी ये चाहेंगे कि जितने भी प्रशासनिक अधिकारी जो इन खबर को देख रहे हैं वो भी थोड़ा सा इस बारे में संज्ञान लें और जल्द से जल्द ग्रामीणों की इस समस्या को जो है समाधान कहीं ना कहीं निकालें, क्योंकि आप यहाँ पर देख पाएंगे कि काफ़ी संख्या में यहाँ पर जो ग्रामीण हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और काफ़ी सारे जो ग्रामीण हैं उनके द्वारा लगातार एक ही डिमांड यहाँ पर की जा रही है कि किसी भी तरीके से जो है लाइट जो है वो यहाँ पर शुरू की जाए, ये बड़ी चीज़ है। तो अब आप खुद समझ सकते हैं कि जहाँ पर ग्रामीणों को पहले पानी की समस्या थी, आज वही ग्रामीण बिजली के लिए भी यहां पर अब धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हो रहे हैं। जहां एक तरफ लगातार ग्रामीण बिजली सप्लाई की मांग को लेकर के यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब जहाँ अधिकारी भी यहाँ पर पहुँचे हैं और अधिकारियों के द्वारा यहाँ पर आश्वासन दिया गया है कि अगले 1 घंटे के अंदर जो गांव की सप्लाई है उसको जारी कर दिया जाएगा, उसके बाद जो है जो आगे का जो प्रोसेस रहेगा वो डिपार्टमेंटल थ्रू चलता रहेगा। इसी दौरान में जहाँ जो इंचार्ज थे यहाँ के, उनके द्वारा यहाँ पर बताया गया है कि ग्रामीणों को समझा दिया गया है और ग्रामीण उनके जो आश्वासन पर मान गए हैं और जैसे ही बिजली सप्लाई चालू होगी तो धरना प्रदर्शन वो लोग खत्म कर देंगे। तो आंधी की वजह से जो पोल गिर गया था, सप्लाई बंद थी और इधर से इक्विपमेंट खराब थे, वो इक्विपमेंट में मान लो कुछ समस्या थी, वो दुरुस्त करने लग गए। कितनी देर में जो आश्वासन आप लोगों ने दिया है? अभी 2 गांव तो करीब 1 घंटे के अंदर चल जाएंगे, बाकी जो पोल टूटे हैं वो शायद शाम तक चालू हो जाएंगे। कितने गांव टोटल यहां से कितने गांव की सप्लाई होती है? 5 गांव की सप्लाई चलती है। एमसीबी एक कौन से गांव है जी? गांव हो गया आदमपुर, डाडी, बलाड़ी, कलाड़ी, कलाड़ी। एक एमसीपी जो खराब बताई जा रही थी उसको कब तक ठीक करवाया जाएगा? वो हो जाएगी, शाम तक हो जाएगी। अभी वैसे एक पैनल ठीक है, कोई सी दिक्कत नहीं, सप्लाई तो चली जाएगी। तो लगातार हम भी आप तक जो है सूचनाएं पहुंचाते रहेंगे, आप हमारे चैनल के साथ लगातार ऐसे ही बने रहिएगा, देखते रहिएगा वीटीएस लाइव न्यूज़ को। अभी बस इतना ही, आने वाले समय में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे जल्दी मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सोमेश ढाका, वीटीएस लाइव न्यूज़ के लिए।